पक्षाचा मोर्चा आहे म्हणून आलेलो नाही राज्यमंत्री बच्चू कडू। मध्य प्रदेश काँग्रेसची धडक बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शेतकरी कायद्याविरोधात मध्य प्रदेश काँग्रेस व महाराष्ट्राचे राज्यमंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली धडकला आहे। मध्य प्रदेशातील पांढुर्णा येथे शुक्रवारी तारीख 22 सकाळी 11 वाजता हा मोर्चा निघाला होता। राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या पक्षाच्या मोर्चाचे नेतृत्व शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गासाठी झटणारी प्रहार संघटना व त्यांचे नेतृत्व करणारे महाराष्ट्राचे एक राज्यमंत्री करत होते। या मोर्चात युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार निलेश उईके यांच्यासह शेकडो काँग्रेसचे पदाधिकारी व इतर संघटना सहभागी होते। बच्चू कडू यांच्या आक्रमक शैलीने मध्य प्रदेश वासियांच्या मनात सुद्धा स्थान मिळवले आहे। यामुळे या मोर्चाकडे केवळ मध्य प्रदेशच नव्हे तर महाराष्ट्राचे सुद्धा लक्ष लागले होते। सीके मराठी न्यूज चॅनल साठी जिल्हा लातूर प्रतिनिधी रवी बिजलवाड। छोडकर किसान की बात होंगी, मैं ये मोर्चा किस पक्ष का है इस नाते से नहीं आया, मैं ये मोर्चा किसान का इसलिए आया हूँ। कमलनाथ जी का फोन आया, बोले हमारा मोर्चे का आयोजन है, हम बिल्कुल आएंगे। काला कानून हो अंधा कानून हो, एक बोर्ड यहाँ पर मैंने देखा, वहां लिखा है राम राष्ट्र है, बड़ा अच्छा लगा। राम राष्ट्र है बिल्कुल है, लेकिन राष्ट्र के अंदर किसान है ये बीजेपी वालों को मत भूलना। राष्ट्र के अंदर भी हमारा किसान, उसको भूलकर काम नहीं चलेगा। मैं कांग्रेस अभी अपन जो बात अभी करने जा रहे बिल की, तो मैं कुछ बीजेपी वाले को सवाल करता हूं कि आप जो तीन कानून लाए या इसमें 20 सोचता हूं मैं। किसान का जो खर्चा लगता है जो फसल निकालने के लिए, उसमें कुछ कम होगा? बता दो बीजेपी वालों का, ये इतना खर्चा कम हो सकता है? और दूसरी बात है, अगर ये कानून लाने के बाद हमारे फसल को भाव मिलेगा ज्यादा? अगर दोनों भी नहीं होते हैं तो फिर कानून किसके लिए लाया? अमिताभ बच्चन के लिए, क्या हेमा मालिनी के लिए लाया? कानून लाया किसके लिए? अरे जिसके लिए कानून लाया उसको ही पूछते नहीं हो आप। अरे हमें जाना है दिल्ली और आप लेके जा रहे हैं मुंबई। अगर आप चाहते हो, आप कहना चाहते कि ये कानून किसान के हित का है, फिर किसान को पूछ कर करो। जिसकी शादी है उसको पूछ नहीं रहे, और बाजू वाले को पूछ रहे पसंद है क्या नहीं है।